सी नाम वालों का 2020 का संपूर्ण फलादेश। तो नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सिंह कन्या स्पेशल में। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं पूरे विस्तार से सी नाम वालों के 2020 के संपूर्ण भविष्यवाणी के बारे में। तो वीडियो को आप देखते रहें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मुझसे जन्म कुंडली के बारे में, हस्तरेखा के बारे में या आपके लाइफ में कहीं कोई दिक्कत हो उसके समाधान के लिए अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो, तो आपके सामने मेरा नंबर लिखा हुआ है। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर लें, कॉल बिल्कुल भी ना करें। अगर आप व्हाट्सएप करते हो तो आपकी बात मेरे से हो जाएगी, और अगर कॉल करते हो तो बात मुझसे नहीं हो पाएगी। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पूरे विस्तार से। मित्रों, सबसे पहला है आपका आर्थिक स्थिति यानी कि फाइनेंशियल कंडीशन। तो इस लिहाज से ये वर्ष आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप अपने खर्चों पर, अपने फालतू खर्चों पर, अपने अनावश्यक खर्चों पर आप काबू पा लेते हैं, फिर धन के लिहाज से ये वर्ष आपके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन जनवरी के महीने में आप अपने कामकाज में निवेश ना करें। अगर आप निवेश से बचते हैं जनवरी के महीने में तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। और अगर जनवरी में आपको धन का दिक्कत नहीं आता है तो उसके बाद वर्ष आपके लिए बेहतर रहेगा। 2019 के मुकाबले धन के लिहाज से ये वर्ष बेहतर रहेगा, और 19 में आपका जैसा हालत होगा उससे बेहतर रहने का पूरा उम्मीद आप कर सकते हैं। और तो और, अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, कोई आपसे कर्ज ले लिया है और वो पैसा वापस नहीं कर रहा है, तो इस वर्ष में अगर आप प्रयास करते हैं तो उसके रिकवरी के चांस कुछ ज़्यादा हैं और वो पैसा आपको वापस मिल सकता है। जनवरी के बाद अगर आप कामकाज में निवेश करते हैं तो निवेश में आपको फायदा होगा। लेकिन अगर आप सट्टेबाजी करते हैं तो इस वर्ष में आपको धन हानि कुछ ज़्यादा होगा। सट्टेबाजी में आपको लॉस बहुत ज़्यादा सहना पड़ेगा। इस वर्ष में आपके पास धन आएंगे, लेकिन धन को बुलाने के लिए आपको परिश्रम कुछ ज़्यादा करना पड़ेगा। मित्रों, अब है आपका स्वास्थ्य यानी कि आपका हेल्थ। तो स्वास्थ्य के लिहाज से यह वर्ष ज़्यादा बेहतर नहीं रहेगा। इस वर्ष में आपको दो चार बार अस्पताल जाना पड़ेगा यानी कि सामान्य चेकअप के लिए आपको जाना पड़ेगा। और अगर आप शुगर के पेशेंट हैं यानी कि आपको डायबिटीज़ है, तो इस वर्ष में आप सावधान रहें और अपने खान पान पर आप काबू रखें, अन्यथा आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा और फिर आपको दिक्कत कुछ ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन इस वर्ष में आप अपने मन से तनाव को दूर रखें। अगर तनाव दूर रहता है तो बीमारी, आपको अगर कुछ होगा भी तो उसका सामना आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप मन से बीमार रहते हो, आपके अंदर तनाव रहता है, मानसिक शांति बहुत कम रहती है, फिर आपको दिक्कत बहुत ज़्यादा आएगा। तो आप दिल से, मन से बहुत साफ रहें, फिर आपको दिक्कत बहुत कम आएगी। और हो सकता है तो ठंड के महीने में आपका स्वास्थ्य कुछ ज़्यादा खराब हो जाए। अब है प्रेम संबंध। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने सिंह कन्या स्पेशल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ध्यान से ऑन कर लें और वो आप ऑल पर सेट कर लें, ताकि मैं जो भी नई वीडियो पोस्ट करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और उस वीडियो को आप इंजॉय कर सकें। तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें और वीडियो के नीचे आप एक प्यारा सा अच्छा सा कमेंट कर दें। तो आइए जानते हैं आपके प्रेम संबंध के बारे में। मित्रों, प्रेम के लिहाज से ये वर्ष बेहतर नहीं रहेगा। अगर आपके और आपके प्रेमी के बीच प्यार अच्छा नहीं है, प्यार विश्वास का नहीं है, तो प्यार टूट जाएगा। और अगर आप दोनों के बीच, आपके मन में एक दूसरे के लिए अविश्वास पैदा हो जाता है, तो रिश्ता नहीं रहेगा और रिश्ता खत्म हो जाएगा। तो इसलिए इस वर्ष में कुछ भी हो जाए, आप बिलीव करना ना छोड़ें। अगर आप अपने प्रेमी पर या अपने प्रेमिका पर बिलीव नहीं करते हैं तो आपको दिक्कत बहुत ज़्यादा आएगा, और फिर उस दिक्कत से आप परेशान कुछ ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन अक्टूबर के महीनों के बाद आपके प्रेम संबंध में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा, और उसके बाद आपका और आपके प्रेमी का संबंध काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। इस बीच में आप लोग लड़ने का प्रयास ना करें, विवाद करने का प्रयास ना करें। अगर आप ये करते हैं तो आपका रिश्ता खराब हो सकता है।
तो मित्रों यही था सी नाम बालों का 2020 का संपूर्ण फलादेश। तो हम सब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव।